नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अंधा युग, धर्मवीर भारती की सबल कल्पना और पौराणिक कथा पर आधारित गीते नाटक है। इसको काव्य रूपक नाटक भी कह सकते हैं। इसी नाटक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इस नाटक का प्रकाशन काल है 1954 ईस्वी। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि नेट के परीक्षाओं में कई बार इसके प्रकाशन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अन्य सभी विषयों पर इस नाटक पे चर्चा करेंगे। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा रचित यह नाटक है, जिसमें भारती जी ने पौराणिक कथा सूत्रों को अनुप्रेरक रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। इस काव्य रूपक का कथानक महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं परिणामों से संबद्ध है, जिसे डॉक्टर भारती ने रंगमंच की सुविधा के लिए निम्नलिखित 5 अंकों और स्थापना अंतराल एवं समापन में विभक्त किया गया है। तो इस नाटक का यहाँ पे हमने देखा प्रकाशन 1954 ईस्वी, आप इसे नोट करेंगे। शैली है गीते नाटक या काव्य रूपक। नाटक का आधार पौराणिक कथा। इस नाटक में 5 अंक हैं। यहाँ पे कह सकते हैं 5 अंक हैं, लेकिन भारती जी ने रंगमंच की सुविधा को देखते हुए इसको 8 भागों में विभक्त किया है। अब हम देख लेते हैं 8 भाग कौन कौन सा है। स्थापना अंधा युग, पहला अंक है कौरव नगरी, द्वितीय अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल पंख पहिए और पटिया, चौथा अंक गंधारी का श्राप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक हत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। इसमें महाभारत के शल्य पर्व, सप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रमवासी पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसल पर्व में फैले विस्तृत कथानक को अत्यंत कौशल के साथ बहुत ही सघन और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के कथानक के प्रारंभ के पूर्व स्थापना के अंतर्गत मंगलाचरण है, जो महाभारत से ज्यों का त्यों संस्कृत में ही ग्रहण किया गया है। इसके बाद उद्घोषणा के अंतर्गत भारती जी ने विष्णु पुराण के कलयुग वर्णन की पंक्तियाँ देकर उनके भावों को अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः स्थापना में पूरा अंधा युग बीज रूप में विद्यमान है। इसमें अंधा युग को ज्योतिर के माध्यम से कही गई है, अंधों की कथा बतलाया गया है। चर्चित नाटक काव्य अंधा युग की कथा नाटकीय विधान के अनुरूप अनेक अंकों में विभाजित है। अब हम नाटक के पहला अंक जो कौरव नगरी से शुरू होता है, इस पे चर्चा करेंगे। हम नाटक के सभी अंकों को इस वीडियो में देखेंगे। पहले अंक का शीर्षक है कौरव नगरी। अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों द्वारा किए गए अमर्यादा आचरण और मूल्यात्मक विघटन का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन की संध्या का समय है। कौरवों के महल में घूमते हुए दो प्रहरियों के बातचीत से कौरवों के राज्यनाश एवं कुलनाश का बोध होता है। अचानक उन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य गिद्धों का उड़ता हुआ समूह दिखाई देता है, जो उन्हें अपशगुन सूचक प्रतीत होता है। इसी बीच विदुर प्रवेश करते हैं, जो घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण की
और धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तब धृतराष्ट्र प्रथम बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं के पालन में असफल रहे। विदुर उन्हें समझाते हैं कि यदि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका न रहती। यह सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को वंचक और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है तथा अनैतिक मर्यादा, अनाशक्ति आदि आदर्शों को पाखंड बताती है। इसी बीच जयकार करता हुआ वृद्धयाचक प्रवेश करता है। यह वही ज्योतिषी है जिसने कौरव दल की विजय की बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने के कारण वह कृष्ण को मानता है। उन्होंने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। अंक के अंत में दोनों प्रहरी, अंक के अंत में कथा गायन में कौरव नगरी के सुनेपन को दर्शाया गया है। दूसरा अंक है पशु का उदय। इस अंक के प्रारंभ में पहले अंक के कथा सूत्र को पुनः ग्रहण किया गया है। संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाता है कि स्वयं उसके संजय के वध के लिए भी सात्विक ने शस्त्र उठाया था, किंतु व्यास ने उनसे अवध बताकर मुक्त करा दिया। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देते हैं। तभी टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छल पूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतीक्षा करता है। तभी वन मार्ग में आता हुआ संजय उसे दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच लेता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी बीच अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। अंक के अंत में जो कथा गायन किया गया है वह तीसरे अंक की ओर संकेत करता है। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस अंक के आरंभ में दिए गए कथा गायन में युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव सेना का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल बूढ़े घायल और बौने ही शेष रह गए थे। हारी हुई घायल सेना के साथ आए हुए युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो उठते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। गांधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग करती है। तभी संजय गदा युद्ध में दुर्योधन को पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगता है। तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है, जो सोए हुए कौरवों पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करने के लिए उसे नोचने लगता है। इस प्रारंभ से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। अंतराल में है तीसरे अंक के बाद अंतराल है, जिसका शीर्षक है पंख पहिए और पट्टिया। यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्धयाचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु संजय विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को
शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखाई पड़ते हैं। चौथा अंक है गंधारी का साप। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न, सत्निक और शिखंडी की हत्या करता है। जान बचाकर भागने की चेष्टा करते हुए शेष पांडव योद्धाओं को द्वार पर स्थिर कृतवर्मा और कृपाचार्य मौत के घाट उतार देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गंधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिसका समाचार सुनकर वह मूर्छित हो जाती है। इस अंक के मध्य में दिए गए कथा गायन में कौरव वीरों के तर्पण के लिए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा देते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण मृत शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं तथा अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह पीव घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहे। उधर गंधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजन को देखकर कृष्ण को श्राप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। व्याघ्र का अर्थ है यहाँ पे किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। अब पांचवें अंक में है विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक के कथा गायन में पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। कौरव नगरी में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो गया है। भीम की कटुकृतियों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गंधारी बन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भले ही आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र, भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन है प्रभु की मृत्यु। अंतिम अंक के बाद समापन है, जिसका शीर्षक प्रभु की मृत्यु है। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नामक व्याध्र कृष्ण के बाएं पैर को मृग का मुख समझकर बाण चलाता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर में बहते हुए पीप भरे नीले रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति अनास्था का उदय होता है। व्याघ्र के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा सह मृत्यु को वरण किया है। व्याघ्र द्वारा दोहराए गए प्रभु के शब्दों से ज्ञान होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती युजुत्सु और विगलित रहेगा तथा उसका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी व्रत में विनाश करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सहज निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण से प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। भारती ने कथा संवाद में अनेक पद्धतियों का सहारा लिया है, जिसके कारण कथा के गठन में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो गया है। कथा वस्तु संयोजन के निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनाई गई है। अब हम इस कथा का संक्षेपण पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अंध्या युग में महाभारत के उत्तरार्ध के जिस कथा फल को चुना गया है, वह शल्य पर्व से लेकर महाप्रास्थनिक पर्व तक के 7 पर्वों में व्याप्त है। इतने बड़े कथा फलक को अंधा युग के कथानक में समेटने में भारती ने विलक्षण समाहार क्षमता एवं संक्षेपण का परिचय दिया है। भारती ने संक्षेपण की पद्धति के माध्यम से महाभारत की कथा के विस्तारों को छोड़ने और अत्यंत आवश्यक तीखे प्रसंगों को चुनकर संयोजित करने में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे
विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।